चलिए बच्चों, आज हम नया क्वेश्चन ले रहे हैं, अपना वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम का नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम जरूर आता है। आप आराम से इसको सॉल्व करिए, समझिए और कोशिश करिए सॉल्व करने की, स्वयं करने की कोशिश करिए, कुछ नहीं है सवाल में। सम ऑफ द स्क्वायर, आपका सम पहले तो सम ऑफ द डिजिट होता था, यहाँ सम ऑफ द स्क्वायर का डिजिट का सम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव नंबर इज 208। भाई मुझे तो नहीं पता कौन सा सवाल है। फिर कह रहा इफ द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर। भाई ठीक है, बड़ा दिक्कत हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। हम मान लेते हैं दैट टू नंबर्स आर थोड़ा सा तो लिखेंगे तो है आर एक्स एंड वाई। दो नंबर मैंने एक्स वाई ले लिया। अब देखिए आप कहेंगे साहब ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लीनियर के लिए, आपने दो नंबर क्यों ले लिए? देखिए देखिएगा, अभी हम स्क्वायर में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, दो नंबर में यही लूंगा। इन इन विच एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मैं एक्स को बड़ा मान के चल रहा हूं भाई, ठीक है। अब इसका स्क्वायर, यानी उन्होंने ये कंडीशन दी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर इज 208। ये हमारी पहली इक्वेशन आई। अब देखिए क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर क्या है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर लार्जर नंबर इज 18 टाइम्स द स्मॉलर नंबर। 18 टाइम्स स्मॉलर नंबर क्या है? वाई। ये कंडीशन दे दी उन्होंने, लार्जर नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर, लार्जर नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर। बहुत आसान हो गया। तो आप एक्स स्क्वायर को हटा दिए, डिलीट कर दिए, एक्स स्क्वायर की जगह मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो मैं इस इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 वाई, ठीक है। तो रखिए सर 18 वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 208। बस अब आप इसको ऑर्डर में रख दीजिए, आंसर आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी प्लस 18 वाई माइनस 208 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई, मिडिल टर्म का स्प्लिट कर लीजिए तो क्वेश्चन इजी है, कोई ऐसी बात नहीं। देखिए माइनस के 208 के मैं ऐसे दो फैक्टर करूंगा जिनका सम 18 है, तो देखिए कैसे आएगा, फैक्टर कर लीजिए। आप इसको भी सीखिए, बहुत से टेबल में नहीं होता है, इसको स्प्लिट कर लीजिए। ठीक है, मुझको लाना क्या है 18, तो इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। तो एक तो 13 26, दो चौक 8 और 26, इसका मल्टीप्लाई करके देखिए 8 6 48, 8 2 16। अब मुझे तो साइन का पॉजिटिव लाना है, तो मैं पॉजिटिव इसे लूंगा, इसे नेगेटिव लूंगा। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो नेगेटिव आएगा, इन दोनों का सम करके देखेंगे तो प्लस के 18 आएगा। ब्रैक करके लिख दीजिए यहाँ पर माइनस के 8 है भाई, प्लस के 26। क्या आप पहले 26 लिख सकते हैं, चाहे बाद में लिख दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन लेने में सेम डिजिट आएगी। आप मैं चाहे ये पहले लिख दूं चाहे ये पहले लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस 26 बाई माइनस 208 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ब्रेक कर दिया, इन दोनों का सम देखिए आ रहा है प्लस का, इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही, ये नियम है। अब आप उसमें से कॉमन ले लीजिए, पेयर बना लीजिए, कॉमन ले लीजिए, वाई कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस 8 प्लस के 26 कॉमन आ रहा है तो वाई माइनस 8, 26 को 8 से 8 6 48, 8 2 16 जा यही कॉमन आ रहा है इज इक्वल टू 0। तो देयर आर टू फैक्टर आए, एक आया वाई माइनस 8 और दूसरा आया वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0। तो मेरा फैक्टर यही आएगा y माइनस 8
इंटूक्ल टू जीरो, तो वाई बराबर क्या आया 8, और ये तो भाई नेगेटिव, ये तो नेगेटिव देगा, ये तो नेगेटिव देगा, ये तो आंसर नेगेटिव दे रहा, प्लस वाला तो नेगेटिव देगा, क्या दिया हमने, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव तो पॉजिटिव तो 8 ही आया, नेगेटिव क्यों लूं मैं, वाई बराबर -26, देखो वाई +26, ये तो मुंह जवानी करने के सवाल है, तो वाई बराबर क्या आया -26, तो मैं इसे नहीं लूंगा, नेगेटिव थोड़ी लूंगा पॉजिटिव में, तो मेरी वैल्यू आ गई वाई बराबर 8 आ गई, एक नंबर आ गया वाई बराबर 1, अब इसमें आप इसमें वैल्यू रख दीजिए, इस वाले में रख दीजिए, आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 वाई था, ये तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144, तो एक्स बराबर क्या आया प्लस माइनस, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, प्लस माइनस 12, लेकिन मैं फिर यहाँ भी पॉजिटिव नंबर लूंगा नेगेटिव नहीं लूंगा, तो मेरा आंसर क्या आएगा यहाँ से, एक्स बराबर 12 और वाई क्या आया 8, वाई बराबर 8, देर आर टू नंबर्स दिस इज द आंसर, पॉजिटिव नंबर कहा हमने, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू पॉजिटिव नंबर इज 208, मैंने नंबर माना है एक्स एंड वाई, सम ऑफ द डिजिट नहीं है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द है, तो सम ऑफ द स्क्वायर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 208 करा, एक्स मैंने ग्रेटर देन वाई माना, अब वो कह रहा है लार्जर नंबर इज इक्वल टू 18 टाइम्स ऑफ द स्मॉलर नंबर, ये वैल्यू मैंने इसमें फिट कर दी, फिट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले, क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन निकाला, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के सॉल्यूशन आ रहे हैं, नंबर दिया पॉजिटिव तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा, पॉजिटिव वैल्यू मेरी वाई बराबर 8 आई, जब 8 आई तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ये 1 हो गई, ठीक है, तो दूसरे से निकाला तो वो 12 आया, प्लस माइनस में आया, लेकिन हम पॉजिटिव नंबर लेंगे, समझ में आया, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बस आप प्रैक्टिस करिए, अब आप अपने आप निकालना सीख गए, क्या कह रहे हो, समझ में आ रहे हैं अच्छी तरह, क्वेश्चन अपने आप भी करिए, करिए करिए, चलिए उतारिए।